गुड मॉर्निंग गाइज, आप सब कैसे? उम्मीद करती है समझ में हो गए, तो सबकी आंखें सूजी सूजी है क्योंकि सारी रात कोई नहीं सोया, 2 बजे सोए थे और अब 4 सुनीता तो सोई नहीं, मेरी आंखें बिल्कुल ऐसी हो रही, सोचना के बिल्कुल बुरा हो रहा है। मुझे 3 दिन हो गए सोए क्योंकि मुझे है ना बार बिल्कुल भी नींद नहीं आती कहीं, और हम निकल रहे हैं साहब जो 5:30-5:30 बजे हम निकल लेंगे, और चाय रेडी हो चुकी है, तनु नहाने गई है और मैं रेडी होगी, और सिर मैंने धोया नहीं क्योंकि मेरा ना इधर शैम्पू था ना कंडीशनर था, तो घर जाके मेरा सिर धुलेगा। और इधर तनु बना रही है चाय, छान ले बेटा, छान दो एक बार, जाते हैं मेरे इसमें सुनती नहीं। अच्छा ये वो नहीं होगा ना, वो वाला नहीं होगा, बोली तैयार, नींद खुल गई। और इधर हमने पी ली है चाय, सुनीता ने भी, सुनीता अपने सवेरे पहले लगी फोन पर, लोगा बाल सुन दे है मेरा कंडीशनर नहीं था भाई, मेरा धोया था है, कितने महीने हो गए, 3-4 दिन हो गए। और ये मोटो को लेके जाना हमने दिल्ली, मामा हमको ले, छोटी सी हमारी, ठीक है क्या, तो मम्मी सूट पहन ली, लेकिन वो सीने मम्मी को साड़ी बना दी, मम्मी पहन के जाएगी साड़ी गाइस, तो गाइस हम हो चुके हैं रेडी, अब निकलने की तैयारी हो रही है, हवा इतनी ठंडी चल रही है, ऐसा लग रहा है कि कहीं ना बारिश हुई है, और बारिश का मौसम हो रहा है इधर भी है ना। कलेक्टर तो ले लेते, कलेक्टर डाल लिया मैंने, पहले ही डाल लिया मैंने, रात थोड़ी तो ना फैशन में चला है, रात थोड़ी तो ना सोच लो बहुत बुरी हालत हो जाएगी, अरे मैंने मेरा सूट भी डाल लिया, तन्नू का नाइट सूट भी डाल लिया, तो ना तो तन्नू का कपड़े सुहाएंगे, ये सिलक वाली ना मैंने सुहाएगी शादी। तो गाइस फाइनली हम लोग दिल्ली पहुंच चुके हैं, हम 6:50 पे कल घर से निकले थे और 8:30 हो चुके हैं, और 10 मिनट में हम उनके घर पे पहुंच जाएंगे। सबसे पहले हम जाएंगे पूजा मासी के घर, फिर उसके बाद जाएंगे दियादी कह रही हूँ जियादी के घर, और फिर जिया तो भाई तीसरी बेटी बन गई है ना। तो गाइस जितना ले लेता फ्रूट नहीं है, केले ले ले खाली थोड़ा जाओगे, ले ले फिर 2 दर्जन ले लिए, 2 दर्जन ले लियो क्योंकि इधर है ना वो नहीं है क्या बोलते हैं मिठाई की दुकान नहीं दिख रही मेरे को तो कुछ भी, तो मैंने केले ले लिए जी, और के भी उधर भी और कुछ दिख ही नहीं रहा। चलिए हम लोग पहुंच चुके हैं, मैं तो चढ़ रही हूँ और मम्मी से चढ़ाई नहीं जा रहा गाइस ऊपर, मम्मी 3 बार से मम्मी की साड़ी है ना उलट चुकी है, हील्स पहन के आए हैं और अब इनसे चला नहीं जा रहा, ये भी बहुत ज्यादा है, आप कम कर लो चाय, समझे ले लो ले लेना, तो दीदी मान नहीं रही हूँ खाना खा के जाना, मेरा तो ना ऐसी चीजें बना रही है दीदी जो कि मेरे को आपके लिए अलग तैयारी, मैं कुछ भी आपके लिए फ्रूट भी कटा हुआ है, आपके लिए सूजी की अलग से गोलियां बना के रखी हुई है, आपका अलग है, आपके लिए ये नहीं है, ये तन्नू के लिए और दीदी के लिए, मेरा हर तरह है, पड़ेगी मेरा पेट भाई, इतना शौक है मैंने बेरा तन्ना तन्नू ना शौक के इतना है, ठीक है आपको नहीं है। आज हम पहुंच चुके बड़ी दीदी के पास पहुंच चुके जो कि हमारी तीसरी बहन है, मैंने बोल दिया था दीदी आप पे धर्म बाण बनाएंगे, आप आ जाओ आपके सारे सिस्टम रचांगे, अब की बार कौन है दीदी, एक ही बार ये काम करना है, शादी कराऊंगी ना आपकी, शादी करानी है, मुझे एक बात ये भी बता दो, हर कोई मम्मी की शादी के पीछे पड़ा है, मतलब वैसे नहीं बता रही मैं, एक्चुअली दुनिया को सबको शौक चढ़ा हुआ है इनकी शादी कराने का, तो हम करा ही देते हैं ना जी। तो गाइस मैं ना बहुत तंग हो चुकी हूँ दीदी है ना, कभी कुछ कभी 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 कुछ, ये देखो स्पेशल मम्मी की सेहत का ध्यान रखते हैं, मम्मी के लिए तरबूज है, इतना मन करू बड़ी बहन से भी बहुत ज्यादा कर रही है ना, सोच लो ये सुनीता है अभी ना खाओ ना खाओ, उससे भी बढ़ कर निकल गई मेरे गले, तो सारे जने आधो कपड़े लिए नहीं, अच्छी अच्छी थी जिस दीदी
मौसी जी मम्मी को है ना छींकना भी नहीं आता, अच्छी छी 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 करेंगी। फिर आप मौसी जी ने स्पेशल मम्मी के लिए बना दे सूजी के, अरे बिना मिर्च वगैरह के, मेरा दिल ही नहीं कर रहा खाने का। खाओ दीदी आप खा के देखो करने लग रहे हो, एक टेस्ट तो करके देख लो। टेस्ट कर लूंगी क्योंकि तने हो रहे हो, मन तो मूवी कौन खाने यार। तो गाइस इधर मम्मी अपने आराम से लेट गई है तरबूज खा के, और तो कुछ मम्मी को खाना नहीं था और मम्मी को लेटना था तो मम्मी यहाँ लेटी के अंदर चल रहा था एसी, इसलिए मम्मी बाहर लेट गई। तो ये देखो ये पूरे किचन में मेहनत करते हुए क्यों नहीं होगी, रोज थोड़ी होती है पसीना पसीना, वही तो 2 मिनट पसीना आ जाता है इनके तो। मत सूट ले के, सूट पहनना पड़ेगा, पहन लो तो दिक्कत हो रही साड़ी में, पहन लो है ना। हमारे जाने का टाइम आ गया है, मैं जा रही हूँ, दीदी जाने नहीं दे रही बिल्कुल, देख लो इनके काम कैसे है। ऐसे नहीं जाना, मैं ना इनके पास जब नहीं आती क्योंकि एक तो ये इतना खर्चा करके उधर आते हैं और आते ना इधर कभी कुछ दे देते कभी कुछ, मैं इनसे बहुत परेशान होती हूँ। प्यार देती हूँ मैं, कुछ नहीं देती हूँ और ऐसा कुछ नहीं है। ना ना बहुत मैं ना बस चलो चलो नहीं है, आपका बर्थडे गया है, मैं आनी खाई हूँ तो ले पकड़े ये आके तब से लेके रखे हुए हैं, मैं आनी पाई और भेज भी नहीं पाई, मैंने सोचा था मैं आऊंगी साथ में लेके आऊंगी। इसके अंदर एक तो मेरा लैंप है, तो तेरा लैंप है और मम्मी की तैयारी अभी पूरी हुई नहीं थी, बॉक्स पूरा तैयार हुआ नहीं है, ये रहा ये। दीदी कितनी सारी दोगे पहले ड्रोनो बता दे भाई, कुछ भी नहीं है ये मेरे मेरा प्यार है, प्यार सही है भाई, और मोटी हो बड़ी बहन को प्यार है, प्यार है मेरा। अरे दीदी आपने तो है ना सोच लो थोड़ा इनसे भी शेयर कर लेना, ना कर भी मत जाओगी सही है, ये कुछ नहीं अरेंजमेंट कर पाई मैं, चुप रहना चुप रहना, आप चुप रहना, नहीं पहली बार है, अगली बार नहीं दूंगी, नहीं नहीं रहने दो घर जाके कर लो, करो 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 करो। मम्मी के लिए आए हैं मेकअप, इसको चेन बंद कर तो लुक पता चलेगा, चेन बंद करेगी ना वो ब्रीफकेस टाइप बन जाएगा, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। एक मिनट माना कर दे कदे काम, ऐसे ब्रीफ केस बन जाएगा और पर्स खराब नहीं होगा, नहीं पर्स खराब नहीं होगा, आराम से आप रख सकते हो कहीं पर भी, ये हैंडल से पकड़ के ये भी खुल गया, इसके अंदर कंपार्टमेंट है अलग अलग सारी चीजें, हाँ, वो चीज अच्छी है सबसे। सुनीता की तरह ना लिपस्टिक सारी दसी पावे, परसमा रख देगी और परसमा ना दीदी पता क्या करेगी, सारी खोल कर दर देगी, हाँ जी आईफोन नहीं पसंद, इसको भी नहीं है, इसको भी नहीं, इनको भी पसंद नहीं, बहुत अच्छा है बहुत अच्छा, बहुत ही पसंद है ना, ये ऐसे ही पहनती है मैंने देखा था ब्लॉग में, सबको सब पता चल जाता है, बहुत प्यारा गिफ्ट है। आई थी बेटा मेरे सामने भी पहना था जब वहां थे स्कूल, मैंने एक बार मम्मी को, बहुत प्यारा दीदी, आज क्यों दुखी हो रहे हो बिना बात, क्यों दुखी हो रहे हो? मैं दुखी नहीं हो रही, मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ, आप स्पेशली मेरे से मिलने आए हो ना, जिंदगी में भी तो पहन लिया, मेरी मेरी खाली उम्र ज्यादा है, वैसे मैं बहुत छोटी हूँ, पर अपने से बड़ी है दीदी। एक दीदी आने वाली है, कितने दिन के बाद आने वाले हो? मैं बस मेरे को डॉक्टर ओके कर दे, मैं हफ्ता नहीं 10 दिन, इतनी स्वाद है इतनी स्वाद है, मैं तो तीसरी ले रही हूँ भाई, बहुत टेस्टी है, खाओ। अरे ना इनके चैनल पे देखने को मिलेगी, इनका चैनल का नाम बताते हो आप, मम्मा बहुत मीठा खाने लगे, दीदी चैनल का नाम बताना मेरे लिए, आज माफ कर दे। पूजा ओबेरॉय नारंग के नाम से चैनल है, शॉर्ट्स पे आपको रेसिपीज मिलेंगी और ब्लॉग इन्होंने सिखाया है तो जैसा सिखाया वैसा मैं काम करती हूँ, बहुत अच्छी बनाती है, रबड़ी वाली है, मैंने मिठाई खाया और कुछ नहीं खाया भाई, एक मैं खान लग रही ना, खाना खान दे बस, चलो चलो चलो। पहुंच चुके हैं हमारी बेटी के पास इतने दिनों के बाद, बड़ी मुश्किल से मिली है, अरे देख लो
ये हमारी दोनों यही काम करेंगे। कितनी मुश्किल से मिली है ना, इतने टाइम बाद। यही यहाँ पे अर्ली लग सकती है, यहाँ पे प्रॉब्लम हो जाएगी। पता क्या करो, यहाँ से यू टर्न करके ना राइट लेके मैं इस साइड से मैं आती हूँ। तो गाइस हम पहुँच चुके हैं जिया के घर, और ये है जिया की मम्मी जो कि आपको पहले भी पता था, और ये जिया का भैया है। हेलो, दूसरा कहाँ पे है? दूसरा आ रहा बाहर। तैयारी करके आ रहा क्या कुछ? और ये जिया देख लो भाई, आ जा। क्या कर रही है तू? पर ये बता कौन खाएगा, ये बता दे। आप सब खाओगे? हम परेशान हो चुके हैं, हम पहले पता फोन कर करके सबको ये बोल रहे हैं कुछ नहीं ले जाना भैया, हम बहुत परेशान हो चुके हैं। मैंने इसे कुछ रखा ही नहीं, ये तो लाइट है, आप तो खा सकते हो। बढ़िया चीज पता नहीं तेरी क्या लगी, चलो अगली बार आओगे ना आपके लिए, ठीक है ना? ऐसी मंगवा दे, अच्छी लग रही है। देखो वैसे देखो कितनी अच्छी है ये, ऐसे दिखा दो। हाँ ये दिखा दो। क्या बातें करे तुम दोनों बहने, जिया दीदी की आईडी ढंग से बोल। एक तो जिया दीदी ने ना इतने पहले जितने भी तनु डालती है ना जिया की डालती है, और बहुत अच्छे अच्छे जिया की ड्रेस होती है, और ये यूनिक ड्रेस देख लो, जिया के बर्थडे की ड्रेस है। और जिसने भी लेनी हो तो ले सकते हो, आएगी ये, बिना ऑर्डर नहीं आएगी। वो तो वैसे तो ऑर्डर पे आती है, फेंकी जाती है। बहुत सुंदर ड्रेस है, बहुत प्यारी ड्रेस लगेगी भाई, यूनिक सी है, यूनिक है, बहुत इनका फैब्रिक इतना अच्छा है। हाँ मैं देख, और ये देखो तनु ने ले रखी है, क्या इसको क्या बोलते हैं जिया? ड्रेस है, ये ड्रेस है, बहुत सुंदर ड्रेस है तनु, ये तो ट्रेंडिंग ड्रेस है। ये इसमें तो तीन कलर है, देखो सबसे अच्छा कलर तो मुझे आता है लेवेंडर। वाओ बहुत अच्छा लगा। और एक ये कलर है गाइस जिसमें रस्ट कलर, रस्ट कलर, ये देखिए ना प्यारा लग रहा है तनु, ये देखिए कितना प्यारा है, मेरे को ये सबसे अच्छा लगता है कलर इसके। तो गाइस आपको तीन कलर अवेलेबल हो जाएंगे। अच्छा प्राइस कितना है भाई इसका? 750। बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत सुंदर लग रही तनु ये। और भी गाइस को इनके पास कोट सेट भी है, दीदी का व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पे आ जाएगा, और उनकी इंस्टा आईडी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, और इंस्टाग्राम पे भी आपको दिख जाएगी जिया। और बहुत अच्छी अच्छी ड्रेसे हैं इंस्टाग्राम पे, यहाँ पर सारे बैठे हुए हैं, पुरानी यादें ताजा कर रहे हैं। हाँ दो मिल गए, दो चार हो गए, चार हो गए, पांच हो सकल ला देंगे अप्रैल में है, मई में है आएंगे। मैं कहती थी आप लोग भाइयों की बरसात करो, मेरा तो एक ही भाई है, वरदान है। ठीक है, फाइनली अभी हम वहाँ से हो चुके हैं, जिया दीदी के घर से फ्री। अब जाएंगे मौसी को एक जगह पे जाना है, वहाँ पे रह गया हमारे, हो चुके फ्री, और तीन चार जगह पे और जाना था हमें, सबके फोन आए जा रहे हैं। काफी खरीद रही है। हाँ गोलू मामी जी की मम्मी का घर यहीं पे है, बट अभी हो रहे लेट, तो अब घर जाएंगे। जिया दीदी वहीं जाके आ रहे हैं। क्या हो गया, क्या हो गया रे? इसे ना तन्नू ने ना कंधे पर हाथ मार दिया मौसी का, और तने क्या सोचा तेरे? इतनी मसरीता तो ईब कर दें काम तमाम उसका। बक्सा है कौन अगला ना है? बिल्कुल नहीं, मतलब ही नहीं बक्सा। पहला मैं कौन है बक्सा? लड़ाई में तो नंबर वन है वो। गाइस यहाँ पे मम्मी वरदान को सुनाई जा रही है क्योंकि उसने सुबह का कुछ नहीं खाया है, और मम्मी उसे सही डांट लगा रही है क्यों नहीं खा रहा तू, एक खाली ऑर्डर कर दे बेटा। और मौसी की वो मान नहीं रहा, मौसी ने इतनी बार बोलिया खा ले खा ले। आज हमारा इतने सब्सक्राइबर से मिल चुके, इतना मिल चुके, चाह पी पी कर ना, इतने थक गए, इतने थका दिए, हाँ तो सुबह से ना पी पी कर बुरा लो रहा। ये आज इनके पास पहुंचे हैं हम, और इस लड़के ने इतना अच्छा डांस किया है। अरमान के पास भेज दे तेरे को, भेज दे आके, बोल के जवाब तो दे दे, बोल 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 बात कर, अरमान बहुत अच्छा लगा आपको, बोल जल्दी बोल, फिर डांस का इसला बोल रही हूं, गाने में तो सही था, डांस कर लिया, बोल दे टीवी में बोलना, ठीक है आप बोलो कि मुझे बहुत अच्छा लगा। हेलो गाइस, मुझे लाइक करो, सब्सक्राइब। तो ये सारे अरमान के फैन बैठे हैं, देख लो सारे के सारे, और वह छोरी तो इतनी फैन हो रही है, बस अरमान ना मैं देख लूं किसी तरह। यही बात है कि दिल्ली में है, मिल लो भाई,
बुलाऊं? अच्छा फिर ठीक है, ब्लॉग में या तो आप आ गए भाई, भी ना कहे आ जाए लोग ब्लॉग में आ जाएगी तो सारे ही फैन बैठे देख लो। तो गाइस सब खुश हो रहे हैं, वो लोग में आके दिखाना एक बार कहाँ पे है। थैंक यू, घर पर आए वो तो बहुत अच्छा लगा भाई, बिल्कुल सारे भी सारे इतने खुश हो रहे हैं, बहुत खुश हो रहे हैं देख लो। तो गाइस इधर है ना, बातें हो रही है, फुल बातें हो रही है, नो करिए जाना नहीं है आज, आज रुक जाओ। तो तुम्हारी शादी में किसी, इन दो लड़कियों की शादी होगी ना जब आएंगे हम, तुम्हारी तीनों की इकट्ठी होगी ना, यही है ना, फिर इस लड़के की होगी, सारा की शादी में इकट्ठे आएंगे, ठीक है, बिल्कुल पक्का आएंगे, क्यों नहीं बुलाओगे तो पक्का आएंगे भाई, ठीक है। और क्या शादी का दे दिया है, तीन ना का शादी माना है, बिल्कुल तीन 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 की शादी है, चार है लड़की दो, एक पांच में आने वाली है। अब करो हेलो। तो गाइस दीदी के घर पे सबसे मिलाए थे, लेकिन दीदी रहती थी, अब दीदी से मिलने आए थे हम लोग। हाय गाइस कैसे हो सब, अच्छा आप बताओ। हेलो, सो गाइस तन्नू खा रहे हैं यहाँ पे गोलगप्पे। हम जा रहे हैं बस, गिफ्ट है ना, बहुत गिफ्ट मिले हैं आज, बहुत गिफ्ट दिए हैं, इतने प्यारे प्यारे सब्सक्राइबर हैं, सोच लो इतने बड़े फैन हैं। ब्लॉग में ले ले, ब्लॉग वाले परेशान कर रहे हैं, ये देख लो, देख लो। हाय गाइस ले, हाय गाइस कर दो, हेलो गाइस कर दे, अरका तक का शेयर भी कर दिया अपना मुंह ना, ठीक है। सारी जगह पे करवा देना सब्सक्राइब, ठीक है, देखूंगी कितने लाइक आओगे और कमेंट आओगे, जब तक के लिए टाटा, बाय बाय।